आपने स्वामी विवेकानंद की वह फेमस लाइन तो सुनी ही होगी, तुम्हें मैं पसंद आऊ ना आऊ दोनों में मेरा ही फायदा है। अगर पसंद आ गया तो तुम्हारे दिल में रहूंगा और अगर ना पसंद आया तो तुम्हारे दिमाग में रहूंगा। तो दोस्तों कुछ ऐसी ही कहानी है अर्णव गोस्वामी की। अर्णव गोस्वामी वह इंसान है जिन्हें कुछ लोग पसंद करते हैं और कुछ लोग ना पसंद, लेकिन कोई भी हो उन्हें इग्नोर नहीं कर सकता। वैसे तो शायद आप भी उन्हें जानते ही होंगे, लेकिन चलो एक बार मैं उनका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। अर्णव रंजन गोस्वामी एक इंडियन जर्नलिस्ट, टीवी न्यूज रिप्रेजेंटेटर और रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ हैं। साथ ही वे न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने जर्नलिज्म में अपने करियर की शुरुआत 1995 में की और वह खास तौर पर अपनी एग्रेसिव जर्नलिज्म के लिए फेमस हैं। अर्णव गोस्वामी की सबसे फेमस पंचलाइन है द नेशन वॉन्ट्स टू नो, और अब तो यह इंडिया के पॉप कल्चर का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस लाइन को अर्णव ने इन्वेंट नहीं किया, बल्कि इस लाइन का इस्तेमाल एक पॉलिटिशियन ने अर्णव के लिए किया था और यह लाइन अर्णव के दिमाग में इस कदर बैठ गई कि उन्होंने इसे अपने शो में पंचलाइन ही बना दिया। उनके होस्ट किए गए कुछ फेमस शोज हैं द न्यूज आवर्स, फ्रेंकली स्पीकिंग विद अर्णव, द डिबेट विद अर्णव एंड द नेशन वॉन्ट्स टू नो। 7 मार्च 1973 में असम के गुवाहाटी में जन्मे अर्णव गोस्वामी के पिता इंडियन आर्मी में सेवा कर चुके हैं और बाद में वह भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बने, जबकि उनकी माँ सुप्रभा गोस्वामी एक राइटर हैं। क्या आप जानते हैं कि अर्णव असल में एक लॉयर बनना चाहते थे, लेकिन फिर उन्हें ऑक्सफोर्ड से फ्लैक्स स्कॉलरशिप मिली और इसके बाद वह एक जर्नलिस्ट बन गए। हाँ, यह बात अलग है कि आज भी वह अपने न्यूज चैनल में एक लॉयर की तरह ही बर्ताव और बहस करते हैं, जहाँ वह लॉयर होते हैं और जनता जज, और उनका शो शुरू होता है उनकी फेमस स्टार लाइन द नेशन वॉन्ट्स टू नो से। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एस्ट्री एंड्रयू कॉलेज से सोशल एंथ्रोपोलॉजी में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। अर्णव गोस्वामी ने अपने जर्नलिज्म करियर की शुरुआत कोलकाता में द टेलीग्राफ के साथ की और एक साल के अंदर अंदर वह दिल्ली शिफ्ट हो गए, जहां उन्होंने एनडीटीवी ज्वाइन किया। आज भले ही अर्णव जर्नलिज्म को लेकर बहुत ही सीरियस लगते हों, लेकिन एक ऐसा समय था जब दिल्ली में 9 साल तक रिपोर्टिंग करने के बाद उन्होंने जर्नलिज्म छोड़ने का डिसाइड किया, लेकिन फिर वह मुंबई शहर आ गए, जहां आकर उनका मन बदला और उन्होंने एक बार फिर से साल 2003 में जर्नलिज्म में एक बार फिर से अपनी किस्मत आजमाने की सोची। अर्णव गोस्वामी को न्यूज टुनाइट के लिए बेस्ट न्यूज एंकर फॉर एशिया इन एशियन टेलीविजन अवार्ड से नवाजा गया। साल 2006 में उन्होंने टाइम्स नाउ चैनल ज्वाइन किया और उनके और उसके एडिटर इन चीफ बने। टाइम्स नाउ में उन्होंने फ्रेंकली स्पीकिंग विद अर्णव शो होस्ट किया, जहां उन्होंने बेनजीर भुट्टो, हामिद करजई, दलाई लामा, हिलेरी क्लिंटन और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जैसे बड़ी हस्तियों का इंटरव्यू किया। जिस टाइम्स नाउ चैनल के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की थी, उन्होंने वहां 1 नवंबर 2016 को इस्तीफा दे दिया, क्योंकि वहां उन्हें अपने विचार रखने की आज़ादी नहीं मिली। 6 मई 2017 को उन्होंने अपने नए चैनल रिपब्लिक टीवी की शुरुआत की और अपनी स्थापना के 100 हफ्तों के अंदर अंदर रिपब्लिक टीवी देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला इंडियन न्यूज चैनल बन गया। अर्णव गोस्वामी को अपनी जर्नलिज्म के लिए साल 2008 में रामनाथ गोयनका अवार्ड से नवाजा गया। साल 2012 में उन्हें NBA अवार्ड्स फॉर न्यूज टेलीविजन एडिटर इन चीफ ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। 26/11 के मुंबई टेरर अटैक में उन्होंने 65 घंटे लगातार रिपोर्टिंग की थी। उनका मानना है कि आप चाहे जो भी करें, लेकिन कभी भी देश के खिलाफ जाकर कुछ नहीं करना चाहिए। अर्णव गोस्वामी आज उन जर्नलिस्ट में से एक हैं जो अपने नाम और काम दोनों के लिए जाने जाते हैं। तो आज की यह वीडियो यहीं खत्म होती है दोस्तों। आई एम श्योर आपको वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों मेरी बायोग्राफीज को सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।